हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम मिलेंगे राइटर डायरेक्टर विवेक शर्मा से, जो हमें बताएंगे कि घर बैठे आप एक्टिंग कैसे सीख सकते हैं। विवेक शर्मा ने फिल्म भूतनाथ डायरेक्ट की थी और हाल ही में उनकी शायरी की किताब मोहब्बत उर्दू है रिलीज हुई है। इसके अलावा विवेक इफेक्टिव एक्टिंग के ऊपर वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं। तो चलिए हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं इस एपिसोड को। मेरे साथ है माय फ्रेंड एंड डायरेक्टर विवेक शर्मा। हाय, हम ऐसे मिलते नहीं है वैसे, हम जनरली ऐसे मिलते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अरे माय प्लेजर। सो पहले मैं आपको विवेक के बारे में थोड़ी सी बातें बता दूं। फर्स्टली ही इज अ डायरेक्टर। भूतनाथ मूवी देखी आप लोगों ने, मेरी बहुत ही फेवरेट मूवी है। सो यस, ही इज अ गाय हु हैज मेड द ऑसम मूवी। सेकेंडली He has assisted Mahesh Bhatt saab for almost for 6-7 years. And he was associated with Shah Rukh Khan camp for long 10 years. A very long time. Yes, yes. I'm doing this series on my channel How to be an actor. और विवेक अपने घर पे workshops conduct करते हैं. I would like to call him the practical school of acting because he's a director. इन्होंने top actors के साथ काम किया है as एन ए डी, एज अ डायरेक्टर। इन्होंने उन्हें डायरेक्ट भी किया है और उनका स्टाइल भी समझा है कि वो लोग एक्टिंग कैसे करते हैं। am I right? तो जब हमने वर्कशॉप की थी ना विवेक के साथ में, आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल वन टू मी ऑन द फील्ड। इट्स वेरी इफेक्टिव। सो द वर्कशॉप इज कॉल्ड इफेक्टिव एक्टिंग, एक्टर्स इफेक्टिव एक्टिंग। इट वॉज वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर मी। सो विवेक, आप व्यूअर्स को बताएंगे जो लोग एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, एक्टिंग स्कूल मैंने दिखा दिया है, वहाँ क्या करिकुलम होता है वो सब भी बताया है, बट उससे हट के कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो लोग घर पे कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी और इफ दे डोंट हैव एक्सेस टू एन एक्टिंग स्कूल और अ थिएटर ग्रुप। राइट। एक बार मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था और ऋषि कपूर साहब हमारे साथ बैठे हुए थे और एक एक्टर एक लूप में अटक गया और वो एक ही डायलॉग को बार बार ठीक से नहीं बोल पा रहा था। तो मैंने बड़े प्यार से चिंटू जी से पूछा कि चिंटू, तो आपको कैसा एक्टर लगता है? तो वो मेरी तरफ झुके और बोले कि विवेक बाबू, अच्छा या बुरा एक्टर नहीं होता, या होता है या नहीं होता। यू हैव टू फर्स्ट डिस्कवर दैट आपके अंदर एक्टर है या नहीं है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप मिरर में अपने आप को देख रहे हैं, आपको लग रहा है आप खूबसूरत हैं, आपका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है, तो वो सिर्फ आपको बड़ा एक्टर बना देगा ये इतना काफ़ी नहीं होता। सबसे ज़्यादा आपको अपने ऊपर काम जो है वो वॉइसिंग में और अपने आई कॉन्टैक्ट में करना है, जो आप घर बैठे बहुत आसानी से कर सकते हैं। मेरा मानना है कि सिनेमा की एक्टिंग, थिएटर की एक्टिंग, टेलीविजन की एक्टिंग अलग है। आप उसमें फ़र्क महसूस कीजिए और घर में आप सबसे पहले सो के उठने के बाद चार वैरायटी का ओम, सबसे पहले ओम लगाइए। जो सबसे हम म्यूजिक में सीखते हैं खरज और सब मध्यम और तीव्र जो होता है, जैसे ओम में ओम 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 ओम, आप ओम जो है वो किसी धार्मिक साउंड का प्रतीक नहीं है, ये यूनिवर्स का साउंड है जो आपके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। इसके बाद आपको कम से कम 4 से 5 मिनट अनुलोम विलोम करना चाहिए ताकि आपकी ब्रीदिंग, एक एक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सांस उसकी सही कंट्रोल में रहे। सांस कंट्रोल में रहेगी तो आपका थॉट कंट्रोल में रहेगा। अगर आपका थॉट कंट्रोल में नहीं तो आप बिखरे हुए तरीके से डायलॉग बोलेंगे, आप फंबल करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉग बार्किंग। डॉग बार्किंग जो है हम अक्सर हम गले से बोलते हैं, पेट से बहुत कम बोलते हैं। जैसे आपकी आवाज़ में बॉडी बहुत अच्छी है, आप बोलती हैं तो सेंटेंस का आखिरी शब्द भी सुनाई पड़ता है भी सुनाई पड़ रहा है, है भी सुनाई पड़ता है। अब कई लोग जो है वो शुरू करते हैं, वो कहाँ चले गए, उनका जो डाइंग नोट है वो टेल जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले आपको डॉग बार्किंग करनी है। डॉग बार्किंग क्या है? वज्रासन में बैठ के, वज्रासन आपको पता है कैसे बैठना है, उसमें बैठ के ये करना है। ये कपाल भाती अलग है, डॉग बार्किंग अलग है। कपाल भाती नाक से की जाती है जिसमें आपके प्रैक्टिकली इनको करके दिखाएंगे तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। आप वज्रासन देखिए, आपका ये इस तरीके से बैठा जाता है, पैर आपके पीछे ऐसे होते हैं, हाथ आपको ये रखना है। तो इससे बेसिकली आपने पेट में हाथ रख के
और जितना मुंह खोलेंगे आप उससे क्या होगा कि आपकी आवाज़ में ओपननेस आनी शुरू हो जाएगी, बॉडी आनी शुरू हो जाएगी, और आप जो गले से बोल रहे हैं गले के बदले आप धीरे धीरे पेट से बोलना शुरू करेंगे। एक्टिंग में सपोज हमें बहुत लो बेस वाली वॉइस निकालनी है, क्या कर रहा है तो यहाँ से आवाज़ आती है, राइट? इसमें एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग बहुत ज़ोर से बोलते हैं अगर कोई बहुत डिस्टेंस में, हम लोग बहुत पास से बोलते हैं, बहुत धीरे से बोलते हैं जब बहुत कोई करीब होता है, तो उसके लिए हाथ ऐसे रख के आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है और यहाँ डायलॉग प्रैक्टिस करनी है घर पे कि मम्मी मैं बोल रहा हूँ मुंबई से, कैसी हो आप, खाना खाया? माँ मैं बोल रहा हूँ मुंबई से, आवाज़ आ रही है? माँ मैं बोल रहा हूँ मुंबई से, आपको आवाज़ आ रही है? आप इसकी प्रैक्टिस से, और छत पे अगर दूर किसी छत पे आपको करना है तो आपको पेट में हाथ रख के अरे हेलो मैं बोल रहा हूँ, तो आपका देखो कितनी क्लैरिटी के साथ, कहीं वाइब्रेशन नहीं आ रहा, कहीं फंबल नहीं हो रहा। और अगर हमें बहुत धीरे बात करनी है तो फिर गर्लफ्रेंड के साथ बैठिए अपने आप आवाज़ आपकी धीरे हो जाएगी या तो आवाज़ निकलेगी नहीं तो आपको ये जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है आज की डेट का सबसे बड़ा जंतु, तो आप उसमें कहीं भी वॉइस रिकॉर्डर में इस तरीके की वेरिएशन रिकॉर्ड कीजिए तो आपको ये महसूस होगा कि आप कितना गलत कितना साफ नहीं बोल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको क्या प्रैक्टिस करना है कि लॉन्गर ब्रीदिंग, जैसे आप ओम कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं कि आपको 23 सेकंड से ऊपर तक ओम होल्ड करना है। जैसे मान लीजिए सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा है, इससे भी सांस की लेंथ बढ़ती है। अगर एक साथ आप 5-7 बार बोल सकते हैं कि सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गामा पा धा नी सा सा नी, तो ये लगातार लगातार बोलते जाइए आप। इससे घर बैठे आपको बिना किसी एक्टिंग वर्कशॉप में जाए आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट होगा, आपके घर वाले महसूस करेंगे कि आपकी आवाज़ खुली आ रही है। तो सबसे पहला एक्टिंग का उसूल है आईज और वॉइस। आवाज़ की बात हो गई है, अब आंखों की बात करते हैं, आई कांटेक्ट की। व्हाट एक्सरसाइज शुड एन एक्टर डू अकॉर्डिंग टू यू फॉर दिस? देखिए हमेशा बोलते हैं ना कि पहली नज़र का प्यार, तो पहली नज़र का प्यार जो है वो ऑडियंस जो बैठी होती है जो स्क्रीन पे देख रही होती है उसको, दे शुड फॉल इन लव विद द कैरेक्टर एंड विद यू एज एन एक्टर। अगर मान लीजिए 6-7 एक्टर्स हैं मगर नज़र उसकी आप पर ही बनी रहनी चाहिए, तो उसके लिए आपको एक एक यूएसपी, एक एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर जिसको बोलते हैं हम, वो डेवलप करना ज़रूरी है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो लोग एवरेज दिखते हैं मगर वो एक्सप्रेसिव ज़्यादा हैं तो उनके पोर्टफोलियोज बहुत अच्छे आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं तो आपकी फ़ोटो बहुत अच्छी आए। इसीलिए आज के दौर में बहुत सारे नॉन हीरो लुकिंग और नॉन हीरोइन लुकिंग पीपल आर बिकमिंग बिगर स्टार्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने आप को मिरर में देख के, या अपने को एक्टर, अपने गर्लफ्रेंड, अपने फादर, अपने ब्रदर, किसी के साथ भी कम से कम 1-1.5 मिनट तक आई कांटेक्ट करना, आपको लगातार आंखों में देखना बिना ब्लिंक किए। सबसे पहली अच्छे एक्टर की पहचान होती है कि जब वो डायलॉग बोल रहा होता है या इमोशन कम्युनिकेट कर रहा होता है तो बार बार ब्लिंक नहीं करता है। तो ब्लिंक नहीं करना या ब्लिंक ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स कि आपके अंदर का एक्टर डरा हुआ है, सहमा हुआ है, ऑकवर्डनेस है। अचानक कोई आपको सपोज एक ऑडिशन के लिए कॉल आया, आपको नहीं पता उस ऑडिशन में क्या होने वाला, और एक गरिमा जैसी खूबसूरत लड़की आपके सामने खड़ी हो जाती है और आपको उसको देख के डायलॉग बोलना है तो आपका गला भी सूख जाएगा और आप ऑकवर्ड फील करेंगे। आई कॉन्टैक्ट करते साथ क्या होगा, आपकी एक थॉट प्रोसेस शुरू हो जाएगी, बहुत मल्टीपल थॉट्स आएंगे कि गरिमा क्या सोच रही होगी, कहाँ देख रही है, अच्छा उसको पसीने पर नजर जा रही है, अरे यार ये मैं शर्ट ठीक पहनी कि नहीं मैंने, ये सब आ रहा होगा आप। तो जितनी ज़्यादा आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे थॉट अपने आप डिस्कार्ड हो जाएंगे। एज एन एक्टर जब मैं भी जाती हूँ किसी शो में काम करती हूँ, मेरे को एक्टर्स हैं, अगर मैं उन्हें पहले से जानती हूँ इट्स फाइन, बट अगर सपोज आई एम एक्टिंग विद समवन जिसे मैं जानती नहीं हूँ, और स्पेशली क्राइम पेट्रोल में तो मोस्टली नहीं जानते हैं, नए कैरेक्टर्स होते हैं, किसी की भी आंखों में देखना इज द मोस्ट इंटिमिडेटिंग थिंग, तो उसको कॉन्कर करने के लिए ये जो एक्सरसाइज है इट इज ऑसम, बिकॉज आप खुद को भी मिरर में देखेंगे ना 2 मिनट आपको डर लगने लगेगा। और मेरे साथ ऐसा हुआ है, आई थिंक आई टोल्ड यू ड्यूरिंग द वर्कशॉप ऑल्सो, आई स्टार्टेड क्राइंग व्हाइल आई वाज लुकिंग एट माय सेल्फ। हाँ, मुझे पता नहीं चल रहा था मेरे साथ क्या हो रहा था, बट मैं सिर्फ खुद को मिरर में देख रही थी, अपनी आंखों में देख रही थी। अपनी आंखों में देखिए, निहारिए मत खुद को, अपनी आंखों के अंदर देखिए, ब्लिंक नहीं करना है, यू विल सी something magical is happening to you, wave of emotions, है ना? 100%। मगर आपको as an actor ये ध्यान रखना है घर में practice करते समय कि आपके पास कैमरा नहीं है और आपको करना कैमरे के थ्रू है, क्योंकि आपकी जो इमोशन और एक्टिंग की इफेक्टिवनेस है वो वाया कैमरा एक सिनेमेटिक ग्रामर के थ्रू कम्युनिकेट हो रही है। तो मोबाइल से प्रैक्टिस कीजिए,
पहले अपने आप को मिरर में देखिए, अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए, ब्रीदिंग ठीक कर लीजिए, पेट से बोलने की प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद जैसे जैसे आप कैमरे के थ्रू अपने आप को देख के बोलना शुरू कर, कैमरा जहाँ जहाँ मूव कर आप उसके साथ साथ मूव करते जाएंगे, आपको लगेगा हाँ अब मैं आईज ब्लिंक नहीं कर रहा हूँ, मेरी सांस करेक्ट है, मैं बोल सकता हूँ। धीरे धीरे आपकी दोस्ती उस कैमरे के साथ हो जाएगी। और मैं जैसे बता रहा हूँ, बच्चन साहब हैं फॉर एग्जांपल, लोग उनको बोलते हैं बड़े इंटिमिडेटिंग हैं। जैसे मैं उनको जब पहली बार भूतनाथ नरेट करने गया तो मुझे उन्होंने बैठाया, कंफर्टेबल किया, नर्वसनेस में मैंने उनका भी रूह अफ़ज़ा ख़त्म कर दिया, दोनों दोनों ग्लास पी लिए और वो बोलते बोलते रुक गया कि वो मतलब मेरा ग्लास है, तब तक मैं पी चुका था, मैं इतना नर्वस था। अच्छा, एक्साइटमेंट भी होता है आपको, तो वो दूसरे को देखते रहे, बात करते रहे, बात करते रहे, सडनली ही टर्न टुवर्ड्स मी, सेड हाँ या व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, और मेरा कंट्रोल ऑल डिलीट, सब सब्जेक्ट सब जीवन मिथ्या हो गया। मेरे को लगा मैं क्यों आया हूँ, अच्छा खासा जबलपुर में था, ये कौन आदमी है। तो उनका जो आईज का पावर है, द वे ही लुक्स, वो इतना स्ट्रांग है कि आपको वश में कर लेता है। वही आपको एज एन एक्टर करना है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस एपिसोड। पार्ट टू में हम सीखेंगे कि घर बैठे हम ऑडिशंस की तैयारी कैसे करें और किसी भी कैरेक्टर के इमोशनल ग्राफ को कैसे समझकर उसे परफॉर्म करें। स्टे ट्यून्ड।